वहीदा, ये शब्द का अर्थ है अद्वितीय। हम यहाँ बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म जगत की अनोखी अदाकारा वहीदा रहमान जी की। 1938 में जिनका जन्म हुआ तमिलनाडु की चिंगलपट्टू में, पिताजी मोहम्मद अब्दुल रहमान और माताजी मुमताज बेगम की चौथी संतान थी वहीदा जी। माता पिता की चारों बेटियों में सबसे छोटी बेटी थी वहीदा जी। बचपन से ही चेन्नई में मोहम्मद रहमान साहब और मुमताज बेगम साहिबा ने उनकी चारों बेटियों को भरतनाट्यम नृत्य शिक्षा के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया था। 1951 में जब मोहम्मद रहमान गुजर गए, उस वक्त वहीदा जी उनकी अर्ली टीन एज में थी। ऐसे तो वहीदा जी का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन अचानक पिताजी की मौत और उस दौरान माता जी के बीमार पड़ने की वजह से वहीदा जी इमोशनली और फाइनेंशियली टूट पड़ी थी। उनका बचपन का डॉक्टर बनने का वो ख्वाब अधूरा ही छोड़ दिया था। साल 1955 में वहीदा जी को एक्टिंग करियर में पहली बार दो तेलुगु फिल्मों का ऑफर आया। वो फिल्में थी रोजुलो मोराई और जय सिम्हा, लेकिन इन फिल्मों में वहीदा जी को सिर्फ डांस आइटम नंबर ऑफर हुआ। वहीं 1950 के दशक में वहीदा जी को मद्रास से हिंदी फिल्म के मक्का, बॉम्बे से चार हिंदी फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ऑफर आया। लेजेंडरी एक्टर गुरुदत्त साहब के साथ 1956 में वहीदा जी ने अपनी पहली हिंदी फिल्म साइन की CID, और सेकंड रोल की भूमिका निभाई थी देवानंद साहब के साथ। और अगले ही साल 1957 में वहीदा जी लीड हीरोइन रोल में उभर कर सामने आई। ये थी गुरुदत्त साहब की प्रोडक्शन और एक्टिंग में प्यासा फिल्म से। प्यासा कमर्शियल बहुत सक्सेसफुल रही और इसमें वहीदा जी की एक्टिंग की काफी प्रशंसा हुई सारी दुनिया भर में। उसके बाद गुरुदत्त साहब की प्रोडक्शन में और गुरुदत्त साहब के साथ एक्टिंग में 1957 में कागज के फूल, 1962 में साहब बीवी और गुलाम, ये फिल्म जाति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चित और प्रशंसित फिल्म रही। इस फिल्म के लिए वहीदा जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब मिला और 13वां बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर खिताब से नवाजा गया। इसके बाद मशहूर फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे की बांग्ला फिल्म अभियान छोड़कर हिंदी फिल्म बात एक रात की, राखी, नीलकमल, एक दिल दो अफसाने, मुझे जीने दो, कोहरा, 20 साल बाद से लेकर फागुन, नमक हलाल, नमकीन चांदनी लम्हे और विश्वरूपम 2 जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हर तरफ उनकी प्रशंसा बढ़ती गई। हिंदी फिल्म जगत के बेहतरीन अभिनेता दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, विश्वजीत, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के साथ वहीदा जी ने काम किया। उन्नीस सौ 65 में देवानंद साहब के साथ साउथ इंडियन राइटर आर.के. नारायण की नॉवल पर आधारित गाइड सिर्फ वहीदा रहमान देवानंद साहब की जिंदगी में नहीं बल्कि हिंदी फिल्म जगत में एक माइलस्टोन बनकर रही है। उसके अगले साल 1967 में राज कपूर की प्रोडक्शन और अभिनय में एक माइलस्टोन मूवी तीसरी कसम उल्लेखनीय फिल्म बनकर रही है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। वहीदा रहमान जी की एक्टिंग करियर के लंबे 67 साल में 90 से ज्यादा फिल्में उनको सम्मान का एक सिंहासन देकर गई। 1972 में भारत सरकार द्वारा वहीदा जी को पद्मश्री और साल 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 1974 में वहीदा जी ने फिल्म अभिनेता कमलजीत, जिनका असली नाम है शशि रेखी, उनके साथ शादी के बंधन में बन गई। कुछ समय बाद उनके दो बेटों का, सोहेल और काशवी रेखी का जन्म हुआ। साल 2000 में वहीदा जी के पति कमलजीत साहब का देहांत हो गया। आज 84 साल की उम्र में वहीदा रहमान मुंबई के बांद्रा में ओशन व्यू बंगलो पर रहती है और पुराने दिनों की अभिनेत्री आशा पारेख जी और हेलन जी के साथ समय बिताती हैं। क्या जाने किसका